हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा मौर्य। आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके हथेली पर आधा चांद बनता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमारी दोनों हथेली में लिटिल फिंगर्स के नीचे हार्ट लाइन होती है, और अगर हम हमारी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ते हैं तो ये जो दोनों हाथों की लाइंस होती है ये आपस में मिलती है, और इस लाइन से हमारी हथेली पर आधा चांद बनता है, लाइक हाफ मून। और इस चंद्र आकृति का बहुत बड़ा रहस्य होता है। आइए तो अब हम जानते हैं कि क्या है इसका बहुत बड़ा रहस्य। फ्रेंड्स, किसी की हथेली पर ये चांद पूरा बनता है तो किसी की हथेली पर अधूरा बनता है, लेकिन दोनों हाथों को जोड़कर बने हुए आधे चांद को बहुत शुभ माना जाता है, और इसके बहुत अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार हथेली में बनी रेखाएं व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बहुत कुछ बता देती है। फ्रेंड्स, हमारे हथेली में ये हार्ट लाइन बुध पर्वत के नीचे कॉर्नर से शुरू होकर गुरु और शनि पर्वत के बीच में एंड होती है, तो ही इसे आधा चांद माना जाता है। लेकिन बहुत बार लोग इसे गलत तरीके से आधा चांद मान लेते हैं। जैसे कि अगर ये हार्ट लाइन आपके शनि और गुरु पर्वत से पहले ही एंड होने लगी हो तो उसके बावजूद भी इसे आधा चांद मानने लगते हैं, जो हथेली पर आधा चांद का पूरा परिणाम कभी नहीं देती है। आइए तो अब हम देखते हैं कि हमारे हथेली पर एग्जैक्ट आधा चांद कैसे बनता है। फ्रेंड्स, हमारे हथेली में हार्ट लाइन छोटी उंगली के नीचे से स्टार्ट होकर गुरु और शनि पर्वत के बीच में एंड हो रही हो, और ये हार्ट लाइन दोनों हथेली में एक जैसी हो, और जब हम दोनों हथेलियों को मिलाकर देखेंगे तो ये जो हार्ट लाइन होती है उससे आधा चांद बनता है। और ऐसा एग्जैक्ट आधा चांद अगर आपके हथेली में बनता है तो आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। आप लोग नेचर से बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके वजह से कोई और परेशान हो। और जिनके हथेली में एकदम क्लियर आधा चांद बनता है वो लोग अपने पार्टनर से भी बहुत प्यार करते हैं, और आप जिससे भी प्यार करते हैं उसे कभी धोखा नहीं देते हैं, और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश भी करते हैं। और इतना ही नहीं, आप उनकी हर ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। आप लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत जिंदा दिल इंसान होते हैं, और आप अपनी दोस्ती के प्रति बहुत ईमानदार भी होते हैं। आप लोगों को पुराने से पुरानी बातें भी याद रहती है, लेकिन आप लोग थोड़े एंग्री नेचर के भी होते हैं, यानी कि आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बट जितना जल्दी आपको गुस्सा आता है उतने ही जल्दी आप शांत भी हो जाते हैं, और आप लोगों को लाइफ में शांति सबसे ज़्यादा पसंद होती है। हमारे हथेली पर जो आधा चांद बनता है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है हथेली पर एकदम गोल आधा चांद का बनना। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के हथेली पर आधा चांद एकदम गोल बनता है तो आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं। आप लोगों के थॉट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं। आप लोग कस्में और वादों के पक्के होते हैं। बस थोड़ा स्ट्रगल आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा होता है, बट आफ्टर 34 ईयर्स आपका भाग्य उदय होता है। और अगर आपके हथेली पर हार्ट लाइन को और कोई दूसरी लाइन आड़ी तिरछी काट रही हो तो आप लोगों का मानसिक स्तर थोड़ा कमज़ोर होता है। आप लोगों के थॉट्स भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, और कुछ केसेस में आप लोगों के एनिमीज भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है हथेली पर छोटा आधा चांद बनना। फ्रेंड्स, अगर आपके हथेली पर आधा चांद छोटा बन रहा हो तो आपके अंदर इमोशंस थोड़े कम होते हैं, लेकिन आपके अंदर जो फीलिंग्स होती है, मीन्स इंटरनल फीलिंग्स जो होती है, वो थोड़ी कठोर टाइप की होती है, और कभी कभी आप लोग ऑर्थोडॉक्स भी बन जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है, अगर किसी मेल या फीमेल की हथेली हल्की पिंकिश हो और आधा चांद पूरा क्लियर बन रहा हो, ऐसे लोग बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, और ये लोग अपने हार्डवर्क से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बस इन लोगों के फ्रेंड्स थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़े चूजी टाइप के होते हैं और बहुत सोच समझ कर, देख परख कर किसी भी चीज़ को चुनते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो है, अगर किसी की हथेली पर आधा चांद ठीक से ना बन रहा हो, यानी कि आपकी जो हार्ट लाइन है वो थोड़ी मोटी मोटी उबर खबड़ हो और वो क्लियर नहीं है,
तो आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, और ऐसा भी देखा गया है कि आपके लाइफ में धन के रास्ते थोड़े कमज़ोर होते हैं, यानी लाइफ में आप कमाते ज़रूर है पर मनी का फ्लो आपके लाइफ में कम होता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है, अगर किसी फीमेल के छोटे छोटे हाथ है और छोटे छोटे हाथों में आधा चांद बहुत अच्छे से बन रहा है और जो हार्ट लाइन है वो मोटी है, तो आपकी मैरिज बहुत अच्छे घर में होती है। आपके जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत इमोशनल टाइप के होते हैं और बड़े रूबानी किस्म के होते हैं। फ्रेंड्स, सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है, बड़े बड़े हाथ हो और लंबी लंबी उंगलियां हो और चौड़ी चौड़ी हथेली हो और उन हाथों पर आधा चांद बहुत अच्छे से क्लियर बन रहा हो, तो ऐसे लोगों को विदेश यात्रा का सुख मिलता है और फॉरेन सेटलमेंट के योग भी बनते हैं, और फॉरेन जाकर सेटलमेंट आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है, अगर मेल हो या फीमेल हो और आपका जो पाम है वो पिंकिश हो और सॉफ्ट हो और आपकी पाम की जो लाइंस है वो लॉन्ग एंड क्लियर हो और बहुत अच्छे तरीके से आधा चांद आपके हाथ में बन रहा हो, तो आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं या तो होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।